हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आप अपने जियो फ़ोन में जो है इंस्टाग्राम कैसे चला सकते हैं और उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोस किस तरीके से जो है अपलोड कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। सो बिना टाइम का भाई आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी जियो फ़ोन है वो ऑन कर लीजिए और उसका डेटा ऑन कर लीजिए। और सबसे पहले आप लोगों का जो ब्राउज़र है वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। ब्राउज़र्स में चले जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सर्च के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर जो है आप लोगों को सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम सर्च करना है, इंस्टाग्राम सर्च मतलब कीजिए, करने के बाद इस टाइप का आएगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को एक पेज पर लेकर चला जाएगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा। तो आपको नीचे चला जाना है, तो इसे फुल लोड होने देना है पहले, ठीक है। तो मैं इसे फुल लोड होने के लिए देता हूँ। तो गाइस, ये फुल लोड हो चुका है, तो अभी आप लोगों को नीचे चला जाना है। तो गाइस, इस तरीके का जो इंटरफेस आप सभी लोगों के जियो फ़ोन में आएगा। तो गाइस, अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी पहले से है तो आप लोग लॉगिन कीजिए, अगर नहीं है तो साइन अप के बटन में क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, यूज़र नेम सिलेक्ट कीजिए, करने के बाद एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं तो किस तरीके से मतलब अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का जो भी यूज़र आईडी है यहाँ पर डाल दीजिए। तो मेरा जो भी यूज़र आईडी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर से है तो आप लोग मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। मेरा यूज़र आईडी से खुलूँगा, तो मेरा यूज़र आईडी ये है, तो मैं ये डाल देता हूँ। तो आपका जो भी यूज़र आईडी है डालना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर नंबर जो भी है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया मेरा यूज़र आईडी, और आपका जो भी पासवर्ड है अभी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो गाइस, मेरा जो यहाँ पर पासवर्ड है वो एंटर कर चुका हूँ, और उसके बाद डन में क्लिक करना है। डन में क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है, तो मैं फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने फिर से जो पासवर्ड डाल दिया हूँ, और डालने के बाद ये आप लोग कुछ देर वेट लगेगा, मतलब कुछ देर वेट कर लीजिए 10 सेकंड, तो इसे लोडिंग होने के लिए देना है। तो गाइस, ये इंटरफेस आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को सेव इन्फो और नॉट नाउ, अगर आप लोग डायरेक्ट लॉगिन होना चाहते हैं मतलब कोई भी मतलब पासवर्ड यूज़र नेम वगैरह दिए बगैर, तो यहाँ पर सेव कर लीजिए। अगर नहीं हर बार आप लोग आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन होना चाहते हैं तो नॉट नाउ में क्लिक कीजिए। तो मैं नॉट नाउ में क्लिक करता हूँ। तो गाइस, अभी जो आपका मेन इंटरफेस है इंस्टाग्राम का तो वो खुलेगा, ओपन होगा। तो मैं इसे ओपन होने के लिए देता हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम का आईडी किस तरीके से बनाते हैं वो अगर नहीं पता है नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस, हमारा जो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी है वो ओपन हो चुका है, तो इसे लोडिंग होने के लिए देते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर पेज लोडिंग हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर स्टोरीज मतलब जो भी पोस्ट किए हैं लोगों ने वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग यहाँ से लाइक भी कर सकते हैं पोस्ट को। तो मैं आप लोगों को एक को पोस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब लाइक करके एक पोस्ट में, जैसे कि यहाँ पर मैं इस फोटो को लाइक करना चाहता हूँ, तो ये हार्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक लाइक हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइक दे चुका हूँ। तो इस तरीके से आप लोग लाइक दे सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर ये वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद
आप लोगों के सामने कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं इस फोटो को, तो भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कमेंट इस तरीके से। अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो आप लोग यहाँ पर एडिट कमेंट में आप जाकर आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्ट करके जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो मैं अभी बैक चला जाता हूँ। बैक चले जाने के बाद दिखाता हूँ और क्या क्या फीचर्स है इसमें। तो गाइस अभी आप लोगों को जो स्टोरी किस तरीके से देखना है, ऊपर चले जाना है आप लोगों को। ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर किन किन लोगों ने, अगर आपका फ्रेंड्स आप लोगों को मतलब कोई फ्रेंड्स अगर पोस्ट अपलोड किया है स्टोरी में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एक में, तो इसका जो भी मतलब पोस्ट किया है उन्होंने, तो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ओपन होने के लिए देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं उन्होंने जो भी पोस्ट किया है यहाँ पर आ चुका है स्टोरीज में। तो इस तरीके से आप अपना दोस्त का जो स्टोरीज देख सकते हो, और यहाँ पर वीडियो अगर उन्होंने अपलोड किया है तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे बैक करता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मेन बात करते हैं कि आप इसमें फ़ोटोज़ किस तरीके से अपलोड करेंगे और वीडियोज़ किस तरीके से अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल के ऑप्शन में प्लस का ऑप्शन, तो प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को गैलरी और कैमरा का ऑप्शन आएगा। तो गैलरी से अगर आपको कोई फ़ोटो है वीडियो है तो अपलोड कर सकते हैं, और कैमरा से आप लोग डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो है मैं अभी तक जियो का 320B में से फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिला है। यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन का रिकॉर्ड आता है लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं होता है, ठीक है, वो फ़ोटो में ही कन्वर्ट हो जाता है। गाइस आपके जियो फोन में होता है कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोग स्टोरीज डालना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टोरीज में क्लिक कीजिए। स्टोरीज में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से स्टोरीज डाल सकते हैं। और अपना प्रोफाइल किस तरीके से देख पाएंगे, प्रोफाइल देखने के लिए नीचे चले जाइए, और नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल में आप लोग चले जाएंगे। प्रोफाइल अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुंदर से सजाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हो ऊपर। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना बायो, जो भी बायो है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इस तरीके से। नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि मेरा ये बायो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बायो है, ये आ चुका है। और आपने जो भी पोस्ट किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा यह पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम आईडी चला सकते हैं, और आपने वीडियो कितने अपलोड कर चुके हैं वो भी यहाँ पर दिखाएगा, और पोस्ट क्या क्या किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो स्टोरीज में आप लोग डालते हैं वो आप लोग सेव करके रख सकते हैं। और गाइस अगर मान लीजिए आपका मतलब इंस्टाग्राम आईडी लॉगआउट करना है तो सेटिंग में चले जाइए। यहाँ पर सेटिंग ऊपर आप लोग दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और लॉगआउट करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल नीचे चले जाना होगा। नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर लॉगआउट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।